टाइम एंड वर्क के होशियार प्राणी जिनको लगता है कार्य समय तो मेरी झोली में, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी फुर्ती में। जिन बच्चों को लगता है कि कार्य समय तो मेरी झोली में, आंसर बताओ फुर्ती में। अब बताएं सवाल क्या है, बहुत नायाब है, नायाब परिंदा है ए, अकेले जो है वो किसी काम को मेरे भाई 15 दिन में कर सकता है। गहराई नापना भैया, पेन की तरफ देखना, पेन की तरफ। ए अकेले 15 दिनों में कर सकता है और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी के 2 दिन के दौरान काम करता है। कौन? ए। पहले 2 दिन और आखिरी के 2 दिन, कौन? ए। ठीक है, और शेष कार्य जो है वो बी करता है और बी 20 दिनों में बचा हुआ काम करता है। तो ए और बी ने मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा, वो दोनों कर सकते हैं, ये सवाल है। अब गहराई समझना, गहराई ये है कि अगर ए किसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है तो कल मैंने आपको सिखाया था कि ऐसी स्थिति में टोटल वर्क भी 15 ही मान लो तो ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट हो जाएगी, सिखाया था। हाँ हाँ बोलते रहो, हाँ बस ये कहो हाँ सर हाँ। अगर 15 में करता है ए जो है तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि ए ने शुरू के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन काम किया है, तो अगर शुरू के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन ए ने काम किया है तो ए ने 4 दिन काम किया है। बोलो, अगर शुरू के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन ए ने किया तो ए ने 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन ए ने काम किया है, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी 1 है तो 4 दिन में 1 के हिसाब से 4 यूनिट काम ए का, हम घटा दे ये ए का काम चला गया टोटल में से, तो ए का काम जब टोटल में से चला गया तो काम बचा 11 और ये जो 11 यूनिट काम बचा है ना मेरे भाई, इसको बी कर रहा है बी, और बी कितने दिन में ये काम करेगा पता है? तो मेरे भाई जो काम है वो 20 दिनों में पूरा होता है, शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। लेकिन ना गहराई समझो कि क्योंकि शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है तो शेष कार्य 11 है और 20 दिन में पूरा होता है काम, तो इन 20 दिनों में से 4 दिनों का तो काम हमने ले लिया ना, घटा दिया, इन 20 दिनों में 4 दिन का ए का काम तो हट गया, तो इसका मतलब ये जो 11 यूनिट काम है ये 16 दिन में कर पाएगा बी, तो बी की एफिशिएंसी होगी 11/16, समझे? तो सवाल कह रहा है दोनों मिलकर टोटल काम कितने में करेंगे, तो टोटल काम था 15 और दोनों मिलकर तो ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी है 11/16, तो 16 एकम 16 और 16 और 11 27/16 हो जाएगा मेरे भाई, 27/16, 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 3 नंबर 27 और 3 5 15 और 16 5 80/9 इस सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, ठीक है, 80/9।